उत्तर प्रदेश में महामारी कोरोना वायरस अपने प्रचंड प्रभाव के साथ प्रचंड रूप दिखाते हुए शहरों के बाद अब गांव में भी तांडव कर रहा है। मगर इस तांडव को रोकने के लिए सरकार ने अपने सभी कागजी घोड़ों को मैदान में उतार दिया है। हमें लगता है हमारी तरह आपको भी बात पल्ले नहीं पड़ रही है, तो आइए आपको थोड़ा और सरल तरीके से बताते हैं। हाल ही में पंचायती विभाग ने प्रधानों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए स्वीकृत किए, मगर अभी तक ना तो नए नवेले प्रधानों का शपथ ग्रहण हुआ है और ना तो खाता खुला है। मगर भगवान जाने सरकार के कागजी घोड़े कहां और किसकी ओर किस तरीके से धनराशि को पहुंचा रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तमाम नदियों में इंसानों का शरीर बह रहा है, मगर उनकी मृत्यु किस कारण से हुई ये तो सरकार को पता ही नहीं है, मगर ब्रह्मा को जरूर मालूम होगा। अब मृत शरीरों को उन्हीं परम ब्रह्मा तक पहुंचाने के लिए और पंच तत्व में विलीन करने के लिए योगी सरकार ने नए नवेले प्रधानों को 5,000 रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। मगर प्रधान परेशान हैं कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ उनको पैसा भी नहीं मिल रहा, क्योंकि ना तो उनके पास खाता है और ना ही उन्होंने कभी एक शपथ ग्रहण की है। अब पूरा मामला आ जाता है योगी जी के कागजी घोड़े पर, जो हमेशा दौड़ता रहता है। अब देखना यह होगा कि कागजी घोड़ा कब तक अपने मंजिल तक पहुंच पाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।